नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लाई हाई लर्निंग में। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर, लास्ट वीडियो था मतलब कि इससे पहले वाला जस्ट वीडियो जो है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने कौन कौन से प्रोविजंस को शामिल किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था, इनमें से 10 यानी 9 इंपॉर्टेंट कंट्रीज और एक जो था 1935 का एक्ट था। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जो प्रमुख उद्देश्य जो थे, उनको भारतीय संविधान में काफ़ी गहन अध्ययन के बाद में शामिल किया गया। इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के वीडियो में हम लोग जिन विषय पर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन से एक्ट और वो एक्ट कौन कौन से थे, जो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए। ये सारे एक्ट भारत में 1773 से लेकर के 1947 तक बनाए गए थे। ठीक है, तो इन एक्ट के से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, या इस एक्ट ने भारतीय संविधान के विकास में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो 1600 में भारत आई थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के लिए इसको टाइम बढ़ाते बढ़ाते अपना जो है पहला कानून लाया इसने 1773 में, और जो लास्ट कानून था इसका 1853 का था। ठीक है, मतलब इस दौरान इस पर रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया था कि कुछ कानून बनाए थे, कुछ एक्ट्स बनाए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर 4 चार्टर एक्ट आए, यानी ये एक चार्टर एक्ट क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, या ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। जो सबसे पहला चार्टर एक्ट था वो था 1793 का, जो दूसरा चार्टर एक्ट था वो था 1813 का, और जो तीसरा चार्टर एक्ट था वो था 1833 यानी 1833 का, और जो फोर्थ चार्टर एक्ट था वो 1853 का यानी 1853 का। ठीक है, फिर इसके बाद में 1857 का वॉर होता है, और इस वॉर के बाद में ब्रिटिश शासन क्या करती है, अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ से शासन व्यवस्था को क्या करती है, अपने हाथ में ले लेती है 1858 के एक्ट से। ठीक है, अब ये एक्ट जो थे, ये सारे एक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाए गए थे, यानी इस समय ब्रिटिश क्राउन का शासन था। तो इस में जो हम लोग बात करेंगे उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत 3 आते हैं, 1861, 1892 और 1909। ठीक, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम, जिसमें 3 एक्ट आते हैं, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग जो है वो 1773 से लेकर के और 1853 तक के जो कानून थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग 1858 से लेकर के 1909 तक के एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिया है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, और ताकि आप बेहतर तरीके से भारतीय संविधान को समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो कौन से वॉर थे जिसके थ्रू इसकी शुरुआत होती है, भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है वो है 23 जून 1757 का डेट, ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस दिन हुआ क्या था, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ने एक वॉर लड़ा था, किसके साथ कह सकते हैं, भारतीयों के साथ, या भारतीय व्यापारी या बंगाल के नवाब के साथ। ठीक है, इस समय जो बंगाल के नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे, जो ब्रिटिश गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और जो सेनापति था सिराजुद्दौला का वो था मीर जाफर। ये लड़ाई लड़ी कहाँ गई थी, ये लड़ाई लड़ी गई थी प्लासी के पास। अब इस समय जो सिराजुद्दौला था, इसके समय 1700
57 में ही ब्लैक होल ट्रास्टी होती है, यानी ब्लैक होल ट्रास्टी में क्या होता है कि अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार के दौरान क्या करते थे कि अपना अतिक्रमण बढ़ा रहे थे। इसके कारण सिराजुद्दौला ने एक अभियान किया और उसने तकरीबन 200 से 250 अंग्रेज को बंदी बनाया और एक छोटे से कमरे में रख लिया जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। इसी के बाद 23 जून 1757 को प्लासी का वॉर होता है। बेसिकली ये वॉर जो था, जब ब्रिटिशर्स ये क्या करते हैं, इस वॉर को ब्रिटिश क्या हुए, जीत गए। इस वॉर को जीतने के बाद में ब्रिटिश को क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर अब इनको व्यापार करने का उचित अवसर मिल गया। यानी बंगाल में क्या थे, अब अपना शासन कर सकते थे और ये क्या करते थे, अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे और यहाँ से इनकी शासन की शुरुआत होती है। इसके बाद में जो सेकेंड इम्पोर्टेंट वॉर होता है वो है 1764 का वॉर, ठीक है। तो जो 1764 का वॉर है यानी अक्टूबर 1764, ये इस वॉर को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश सेनापति था, जो अंग्रेजों की तरफ से जिसने नेतृत्व किया था, वो था हेक्टर मुंडो। और ये लड़ा किसके बीच में गया था, ये नवाब ऑफ बंगाल जो इस समय मीर कासिम था। अब मीर कासिम कहाँ से आ गया, जब वॉर हुआ प्लासी का वॉर हुआ था तो उस समय सिराजुद्दौला की सेना तकरीबन 50,000 थी, ठीक है, और अंग्रेजों की सेना 2500 यानी 2000 के आसपास मैक्सिमम, या 1200 कह लीजिए, ठीक है, 1200 के आसपास थी। लेकिन फिर भी इसने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, क्योंकि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने क्या किया, धोखा दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और ठीक से युद्ध लड़ा ही नहीं, या युद्ध के मैदान में यूं ही खड़ा रह गया, इसकी सेनाएं युद्ध ही नहीं की। तो इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी थी उस समय नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी सेना बिना युद्ध किए हार गई थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि चापलूसी करने के लिए मीर जाफर को क्या किया, वहाँ का नवाब बना दिया। लेकिन जब राजा बना मीर जाफर तो इसको भी अंग्रेजों से नहीं बनी, ठीक है। तो इसके बाद में अंग्रेजों ने इसके दबाव मीर कासिम जो इसका दामाद था, उसको क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। वहीं बंगाल का नवाब, अब ये मीर कासिम जो था वो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए या अपने उसके वर्चस्व को कम करने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने बंगाल के की राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से क्या की, मुंगेर शिफ्ट की, तो वो था मीर कासिम। अब हेक्टर मुंडो क्या था, ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा था इस समय। इसने किसको हराया, मीर कासिम को हराया, नवाब जो थे सुजाउद्दौला को हराया और मुगल इम्पीरर शाह आलम द्वितीय को हराया, ठीक है। तो इस युद्ध का इम्पोर्टेंस ये है कि इस युद्ध के बाद में जो अंग्रेज थे यानी ब्रिटिशर्स जो थे, या ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसको बंगाल, बिहार एंड जो उड़ीसा का क्षेत्र था, इस पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का दोनों का अधिकार मिल गया, ठीक है। यानी निजामत का अधिकार और दीवानी का अधिकार दोनों मिल गया। लेकिन 1757 का जो वॉर था इसमें क्या करते थे अंग्रेज, इसमें रेवेन्यू तो इकट्ठा करते थे खुद, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये वहाँ के सामंतों द्वारा चलाते थे, जिसमें कुछ प्रमुख थे सिताब राय, राजा दीवान चंद या मेजर दीवान चंद, ठीक है। तो ये लोग इम्पोर्टेंट थे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है जिसने भारतीय संविधान की डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की थी। इसके बाद हम लोग अब एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट हैं कि जहाँ से भारतीय संविधान के विकास में किस एक्ट ने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। यानी इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो इस एक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और दूसरा इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेगुलेशन के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम थे उसको पहली बार अधिकृत किया गया, मतलब मान्यता दी गई कि ठीक है अब आप हमारी निगरानी में यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य कीजिए।
ये जो एक्ट था वो सेंट्रलाइजेशन की ओर पहला कदम था। मतलब इसने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन किया, केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, जो बंगाल का गवर्नर था इस समय उसके रैंक को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक। दूसरी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कि अब इसके थ्रू जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। जो गवर्नर जनरल था इसके अंतर्गत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था इसको ज़्यादा शक्ति दी गई मुंबई और मद्रास के तुलना में। मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे इसकी तुलना में ज़्यादा शक्ति दी गई, और इनको क्या कहा गया कि आप ऑफ असिस्ट हैं, यानी सहायक हैं किसके, बंगाल ऑफ के गवर्नर के। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनके लिए एक काउंसिल बनाया गया, परिषद का निर्माण किया गया। ठीक। जिसमें क्या होता था, चार मिनिस्टर्स और चार मेंबर होते थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि इसके अंतर्गत 1774 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक जो थे चीफ जस्टिस होते थे और तीन अन्य जस्टिस होते थे। जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे और जो तीन अन्य थे वो थे चैम्बर्स, लाइमिस्टर और हाइड। इस एक्ट ने जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे वो काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे थे, मतलब कि अपने व्यक्तिगत व्यापार पर ही ध्यान देने लगे थे। तो जिसके चलते क्या होता था कि कंपनी के व्यापार को क्या होता था, घाटा होता था, या टोटल व्यापार जो टोटल आउटपुट जो था घाटा, क्या सब तो फायदा ही था, मतलब कम होने लगा, उससे कम प्रॉफिट मिलने लगा पहले की तुलना में। तो इंडिविजुअल ट्रेड को प्रतिबंधित किया दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वो किसी से उपहार नहीं ले सकते हैं, किसी से घूस नहीं ले सकते हैं। तो ये सब काम किया गया। जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया, कहा गया कि अब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को देखेगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नियंत्रण स्थापित कर लिया इन्होंने, इसका नियंत्रण कर दिया। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कहा गया कि भैया अब आप जो हैं ब्रिटिश सरकार को यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताते रहिएगा कि कंपनी जो है उसका रेवेन्यू क्या है, उसके नागरिक और सैन्य जिम्मेदारियां जो है वो क्या है। ठीक है। तो ये थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के इम्पोर्टेंस और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब हम लोग बात करेंगे 1773 के बाद में 1771 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का कुछ उतना खास इम्पोर्टेंस नहीं था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो जो डिमेरिट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसी के डिमेरिट्स को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1773 में आया था। तो 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट के क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए ये 1784 का जो था पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय ब्रिटेन में जो पिट्स थे वो प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा ये बिल जो है पार्लियामेंट में लाया गया था। इस बिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविजन है वो है कि कमर्शियल कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल काम थे उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अभी हम लोगों ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी, पहले सारे काम को यही देखता था, लेकिन अब प्रोविजन किया गया कि आप जो है सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज को देखेंगे, वाणिज्यिक काम को देखेंगे, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल काम होगा कंपनी का उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है। तो अब दैट मीन्स क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का मतलब क्या है कि अब जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया ड्यूल गवर्नमेंट को, यानी एक तो कंपनी अपना काम देख ही रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया है जो सरकार की ओर से आता था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी बातें बताता था। इसने क्या किया, इम्पावर्ड किया कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इसको कहा गया कि आप जो है सुप्रीम है, आप जो है अब इसके अंतर्गत जितने सारे काम होंगे उस काम को आप देखेंगे। ठीक। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है इसका इम्पोर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, तो ये जो था कि इसमें पहली बार ये कहा गया कि जो कंपनी के क्षेत्र है यानी कंपनी जहाँ पर अभी अपना अधिकार की हुई है या अपना व्यापार कर रही है वो सारे क्षेत्र
किस नाम से हो गए, वो सब कैसे हो गए, ब्रिटिश अधिकृत भारत, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र भारत में। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इसके थ्रू क्या हो गया, सुप्रीम कंट्रोल हो गया, पूरा नियंत्रण हो गया अब कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इन सब का क्या कौन देख रहा था, वो सब देख रहे थे अब BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद में कंपनी जो है वो चार चार्टर एक्ट लाती है, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये चार्टर एक्ट कौन कौन से थे। तो इस चार्टर एक्ट में अब ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं उनको अब पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा, उसके ऑफिशियल्स को पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा, ये पेमेंट दिया जाएगा भारत के राजस्व से, ठीक है। यानी अब ब्रिटिश सरकार इनके लिए खर्च नहीं करेगी, ये खर्च कौन करेगा, ये खर्च करेगा भारत के राजस्व व्यवस्था से। और यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहीं से अब इन्हीं सब का अध्ययन दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इन्होंने किया है अपने पुस्तक में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के लेक्चर में, ठीक है। अब जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट है 1793 के बाद, वो है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट जो है उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। जो 1813 का वाणिज्यिक अधिनियम था इसके अंतर्गत जो कंपनी के ट्रेड राइट्स थे उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि 1793 में अब पता नहीं था कि कितने दिन तक तो कंपनी शासन करेगी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा फिक्स कर दिया गया कि 20 साल आप और व्यापार कर सकते हैं। फिर जो कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड के ऊपर इंडिया में, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है जो ब्रिटेन में रहने वाले मर्चेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं हैं वो भी अब क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जो इसके अंतर्गत एक और प्रोविजन किया गया, कंपनी गुहार लगाने लगे कि ऐसे मत कीजिए, सारा चीज़ खत्म कर दीजिएगा तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो कहा गया कि ठीक है, आप जो चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं और जो आपका चाय का व्यापार है, ठीक है, उसको आप करते रहिए, उसको आप 20 साल तक और कर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपका मोनोपोली होगा। मतलब चाइना के साथ और कोई व्यापार नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी कर सकती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है कि अब सारे ब्रिटिश के लिए खोल तो दिया गया, लेकिन कहा गया कि आप कुछ लिमिटेशंस में व्यापार कर सकते हैं, तो उन पर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इस एक्ट का था कि पहली बार कोई एक्ट है जिसने भारतीय शिक्षा के लिए खर्च किया, कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है, और भारतीय शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया। अब हम लोग देखते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वह है कि 1833 के से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसके रैंक को बदल करके कहा गया कि अब जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इस तरीके से जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसमें कहा गया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उन जिनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, इनमें सारे पावर सिविल मिलिट्री जितने भी भारत के अंदर क्षेत्र हैं उन सब के बारे में प्रोविजन किया गया। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है कि जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था उसको विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, उसको डिप्राइव कर दिया गया कि अब ठीक कानून जो है वो नहीं बना सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये है कि इससे पहले जो 1773 का एक्ट था, 1784 का एक्ट था, उसके अंतर्गत जो कानून बनते थे उसको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद अगर कोई कानून बन रहा था तो उसको कहा गया एक्ट्स, ठीक। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब ये जो है आप सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए, व्यापार का काम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार देख लेगी,
यानी हम कह सकते हैं कि उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया और उसको शुद्ध रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। फिर ये कहा गया कि अब आप जो शासन करेंगे, मतलब यहाँ पर 20 साल के लिए कंपनी के शासन को और बढ़ा दिया गया कि आप 20 साल तक और इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये व्यापार आप किसके नाम से करेंगे, हिज मैजेस्टी यानी सर जो वहाँ की राजा है उसके उत्तराधिकारी हैं उसके नाम पर आप व्यापार कर सकते हैं, ना कि आप अपने नाम से यहाँ पर प्रशासन करेंगे। इस एक्ट का जो एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन सिविल सर्विसेज के लिए था वो ये था कि इसने कोशिश की सबसे पहली बार कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता था उस समय जो ब्रिटेन में होता था उसको ओपन कर दिया जाए। किसके लिए ओपन कर दिया जाए, इंडियन के लिए, दैट मीन्स अब इंडियन भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के कारण इसको क्या किया गया, अब उस कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, इस विचार को बंद कर दिया गया। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो ये है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ये जो एक्ट है इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये सेंट्रलाइजेशन की ओर फाइनल स्टेट था। मतलब जो सेंट्रलाइजेशन का काम 1773 से शुरू हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो अब इसमें क्या हुआ, फाइनल हुआ और सेंट्रलाइज कर दिया गया सरकार के, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को के शासन को खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1853 का, ठीक है। ये चार्टर एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो चार्टर एक्ट पारित किया जा रहा था उसमें ये लास्ट चार्टर एक्ट था। जो इस चार्टर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को क्या किया गया, गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर था उसको खत्म कर दिया गया, मतलब सेपरेट कर दिया गया, खत्म नहीं करके सेपरेट अलग कर दिया गया। और जो लेजिस्लेटिव पावर था, लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने की जो शक्ति थी, उसके लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। इसी को हम लोग ILC यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी अब जो है गवर्नर ही जो है वो कार्यकारिणी और विधायी दोनों काम नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए एक अलग से बॉडी होगी, एक अलग से कानून बनाने वाली संस्था होगी जिसको क्या कहा जाएगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये काम कैसे करेगी, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है उसी तरीके से एक छोटे पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया गया, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन पर भी जोर दिया गया। जो इंडियन काउंसिल के मेंबर थे, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, इसमें गवर्नर जनरल जो था 4 सदस्यों को, क्षेत्रीय सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। वो क्षेत्रीय सदस्य कहाँ से आते थे, वो थे मद्रास के, बम्बे के, बंगाल के एंड आगरा के। दैट मीन्स मद्रास, बम्बे, बंगाल एंड आगरा, यहाँ के गवर्नर वो अपने स्थानीय प्रतिनिधि को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते थे। इस एक्ट में जो 1803 में जो अटेम्प्ट किया गया था CS को ओपन करने के लिए, इसमें वो पूरा कर दिया गया कि अब ओपन कंपटीशन सिस्टम होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। इसके कारण क्या हुआ, कन्वेनेंटेड जो सिविल सर्विस एग्जाम था, कन्वेनेंटेड का मतलब हो गया कि पहले दो तरीके के सिविल सर्विसेज होती थी, एक हायर सिविल सर्विसेज और दूसरा जो था लोअर सिविल सर्विसेज। हायर सिविल सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ ये ब्रिटिशर्स इसके मेंबर हो सकते थे, और इसमें जो था इसमें ब्रिटिश तो हो ही सकते थे लेकिन छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते थे उस टाइप के लोग इसके मेंबर होते थे। तो कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और इसको भी क्या भारतीयों के लिए खोल दिया गया कि मतलब अब भारतीय भी कन्वेनेंटेड सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए एक मैकाले कमेटी का गठन किया गया। मैकाले कमेटी वही मैकाले कमेटी है जिसको हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ते हैं। अब कंपनी का जो टेन्योर था काम करने का, उसके टेन्योर को किसी फिक्स पीरियड के नहीं बढ़ाया गया, जैसे पहले 20-20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब कहा गया कि ठीक है आप शासन कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन कोई अब आपका टेन्योर नहीं होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब मन करेगा तब आपको यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट भगा सकती है, खत्म कर सकती है, आपको टर्मिनेट कर सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज हम लोग यही तक डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी एक्ट बने हैं, जैसे 1858 से लेकर के 1947 तक का एक्ट, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1858 से लेकर के 1909 तक जो एक्ट है
उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसका लिंक, जो रेस्ट वीडियोज हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।